अरे तुम इधर क्यों आकर बैठ गए हो? उधर पूजा चल रहा है, हाँ? लो ये लो प्रसाद खाओ। ए हंसो यार हंसो, तुम अच्छे दिखते हो हंसते हुए। लो लो खाओ खाओ। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? वहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा है जोरदार, चलिए मेरे साथ। कौन सा डांस प्रोग्राम? सर डांस प्रोग्राम हो रहा है, चलिए चलिए मेरे साथ आप लोग, चलिए मेरे साथ, चलिए 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 चलिए। अरे क्या हुआ? अरे तुम देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे अरे देखो यहाँ पे क्या हो गया है, अरे इसको चोट लग गई, कितना खून बह रहा है, अरे कोई तो मदद को आओ, अरे यहाँ पे जल्दी आओ। क्या हो गया? देखो ये देखो ये देखो कितना चोट, अरे जल्दी उठाओ इसको, एम्बुलेंस बुलाओ। आराम से नमस्ते सिस्टर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। बाहर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, लगता है आपके सब रिश्तेदार हैं। आपका ब्लड ग्रुप जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मेहनत करके एक आदमी को लेकर आए थे। आप ग्रेट हो, वो लोग आपकी कितनी फिक्र करते हैं। प्लीज आप आराम करें। ओके नमस्ते। नमस्ते मालिक। नमस्ते साथी। नमस्ते, कैसे है आपकी तबीयत कैसी है मालिक? ज्यादा लग गई है चोट, ऊपर वाले का करम है कि आप सुरक्षित हैं। तुमको कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं सर, छोटी छोटी चोट लगी है बस, मस्तान खान का पैर टूट गया। मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मैं ठीक हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर, सॉरी सर। अरे सॉरी किस लिए, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? आओ बैठो बैठो। अरे हमें इधर आने के लिए कितना प्रॉब्लम्स है, जिसे हम आगे पीछे नहीं जानते वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारे खातिर एक की मौत हो गई है और एक का टांग चला गया है। हमारे पेट को भरने के लिए यहाँ एक फैमिली हमारे लिए वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये लोग पूरी रात इधर ही थे। सच में इंसान को इंसान ही काम आता है, ऐसा बड़े लोग ने बोला है, इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। सुपर सर, आपको ये बात समझने में इतने साल लग गए सर। सर आपने एक चीज नोटिस करी, हम दो दिनों में इतने लोगों से मिले, इतने लोगों की हमने मदद की, इतने लोगों की मदद करने की वजह से आज हम दोनों इधर तक पहुंचे हैं। एक और चीज सर, हम उनमें से किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, हमने ये तक नहीं पूछा सर। एक बात और सर, उन लोगों ने जो मदद की उसकी जरूरत थी हमें, हम दो दिन में यहाँ पहुंचे हैं ना, हर इंसान ने हमारी मदद करी है। आप एक चीज समझिए सर, ऐसे ही आपसे कितने लोगों ने मदद की उम्मीद करी होगी सर, लेकिन आप आज तक किसी के काम नहीं आए, लेकिन आपको आज चीज समझ में आ रही है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म लोगों की मदद करना है, और इससे बड़ा धर्म सर और कुछ है ही नहीं। इंसान इंसान से तभी डरता है सर जब वो अपनी जात कुल धर्म सब चीजों को बीच में लेकर आ जाता है। हाँ शिवा सच है, इंसान को इंसानियत के लिए काम आना चाहिए। वैसे मुझे ब्लड देने वाला कौन था? क्यों सर, उसकी जात क्या, ये पूछने के लिए? अरे नहीं नहीं, थैंक्स बोलने के लिए। उससे पहले सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? आपको किडनैप करके मैं वहां लेकर गया था। क्यों किडनैप किया तूने? आपके ऊपर से ये जात पात का भूत उतारने के लिए सर। मेरे अकेले बदलने से समाज बदल जाएगा क्या? अगर आप बदल गए तो सर आपके अगल बगल के कुछ लोग तो बदलेंगे ही ना। उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? उन दोनों को छोड़ दो ना सर। किसको?
ये तो बता वो लड़की कौन है यार। पता चलेगा, सब पता चलेगा। भाई, दोनों एक साथ मिले हैं, काट दो इन्हें। तेरा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं। इसने हमारी लड़की को भगाकर यहाँ से शादी की, हमारी जात के बारे में जानकर भी जानबूझ के शादी करके हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इन दोनों को काट कर यहीं गाड़ देंगे। ए, अगर बीच में आए तो भी काट देंगे। हाँ भाई। ए, काट कर देंगे भाई। अभिषेक बच्चन, कोहली और नागार्जुन, महेश बाबू, इतना ही क्यों बे? इंडिया में जन्म लिया सानिया मिर्जा और पाकिस्तान में जन्म लिया सोएब मलिक। धर्मकुल को छोड़कर शादी की, इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब कोई गरीब लड़का शादी करेगा तो तुम लोगों को परेशानी होगी। प्यार करके जो लोग शादी करते हैं वो घर नहीं चलाते क्या? ए! क्या वो लोग तुम्हारी नजर में अच्छे से नहीं जी रहे क्या? अब जो भी प्यार करेगा उनके ऊपर हाथ उठाए तो मार के काट दूंगा। आज तू हम लोगों से बचा कर ले जा रहा है, लेकिन भाई के हाथों से नहीं बच सकता तू। वो तुझे ढूंढ कर काट कर गाड़ देंगे, बचेगा नहीं तू। सॉरी शिवा, हमारे कॉलेज आने से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संध्या बोले तो सीक्रेट, सीक्रेट बोले तो संध्या। इतना बड़ा सीक्रेट मुझसे छुपाया तुमने। हमारे लोगों ने अटैक किया, इसलिए हम लोगों ने भागकर शादी कर ली। अगर तुम बीच में नहीं आते तो आज हम दोनों मर जाते। थैंक यू शिवा। एक मिनट। शिवा,
गाड़ी को लेकर तुम लोग बैंगलोर चले जाइए, वहां मेरा फ्रेंड होगा, मैं यहाँ सब सेट करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके ठीक है भाई, टेक केयर। ओके गुरु, मिलते हैं फिर। प्यार करके दूसरी जाति में शादी करना चाहती हो, समझ में नहीं आती है बात? हाँ? उसका नाम बताओ, कौन है वो? कहीं आप उनको ढूंढकर मरवा ना दें, इसलिए मैंने आपका किडनैप करवाया था। उन दोनों को एक साथ देखकर जब मैंने आपकी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी, उस खुशी को आप मत छीनिएगा सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर जात पात धर्म नहीं पूछता, ओनली ब्लड ग्रुप पूछता है बस, ये सबका कोई फायदा नहीं है सर। तो ये सब क्यों सर, बताइए मुझे सर, इतना ही क्यों? एक रात के लिए एक लड़की को अगर बुक किया जाए तो उसकी कोई जात पात नहीं पूछता, बस सेटअप रखते हैं, धर्म की कोई जरूरत नहीं होती, बस लड़की अच्छी है या नहीं बस इतना ही देखते हैं। लेकिन प्यार करके शादी करने के लिए सब रुकावट आ जाती है फिर। ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो इंसान की जात है ना, ये जानवर की जात से निकल कर आई है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, आपके दादा कौन से जानवर की जात से हैं सर? हमारे परदादा कौन से वानर की जात से हैं सर? प्लीज बोलिए ना सर, बोलिए ना। एक मिनट सर।